हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइव गुरु के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, तकरीबन एक सवा महीने के ब्रेक के बाद, रेस्ट के बाद टीम इंडिया जो है वो फाइनली बैक ऑन ट्रैक आती नजर आ रही है। मैदान पे बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी 2 टेस्ट मैचेस फॉलोड बाय 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस। बांग्लादेश टूर ऑफ इंडिया यानी कि अपने होम ग्राउंड में ये मुकाबले होने जा रहे हैं। पहला टेस्ट मैच जो है वो 19 सितंबर से होगा, दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से खेला जाएगा और उसके बाद 6 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को 3 T20 इंटरनेशनल जो मैचेस हैं वो शेड्यूल किए गए हैं। अब जो पहला टेस्ट मैच है जो कि एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना है, उसके लिए BCCI ने टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा की अगुवाई में इंडिया बनाम बांग्लादेश जो पहला टेस्ट मैच होगा, उसमें भाई सबसे बड़ी खबर तो यही है कि ऋषभ पंत वापसी करते नजर आ रहे हैं। जो आपको याद होगा 2022 में जो उनका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक उससे पहले क्रिसमस के आसपास 2022 में आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ही खेला था और उसके बाद ही एक ऐसी दुर्घटना हो गई थी। लेकिन अब ऋषभ पंत की वापसी हो रही है टेस्ट क्रिकेट में। हालांकि पंत को तो हमने अभी दुलीप ट्रॉफी में खेलते हुए देखा भी है और उनकी अब प्रदर्शन भी डिसेंट रहा था। पहली पारी में तो वो उस लेवल का इंपैक्ट नहीं डाल पाए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने 47 बॉल्स में 61 रनों की पारी खेली थी, जिसके चलते इंडिया को एक बड़ा चैलेंजिंग टारगेट मिला है। अब न सिर्फ ऋषभ पंत बल्कि ध्रुव जरेल को भी एज अ विकेट कीपर टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, जो लाइनअप आप देख सकते हैं उसमें ऋषभ पंत और ध्रुव जरेल दो विकेट कीपिंग के हमें ऑप्शन मिले हैं बांग्लादेश के खिलाफ। अब यहां पर जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो आपको इसी लाइनअप में नजर आएगा, इसी स्क्वाड में दिखाई देगा, वो है KL राहुल, जिन्हें इस बार विकेट कीपर बैटर के तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ एक बल्लेबाज के रूप में टीम में जगह दी गई है। अब ये तो ही बात विकेट कीपर बैटर्स की। यहां पर दोस्तों एक्सपीरियंस के तौर पर आप देखें तो रविंद्र जडेजा टीम में शामिल हो रहे हैं, साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह की भी वापसी होती नजर आ रही है। बुमराह को तो साफ तौर पर भाई देख सकते हो आप, यहां पर BGT जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले इन सभी खिलाड़ियों को भाई रवा किया जा रहा है कि भाई आप चलो थोड़ा सा अपने टेस्ट रेड बॉल क्रिकेट में एक बार फिर आपकी वापसी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इन सभी खिलाड़ियों को टीम में वापस किया गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह और जडेजा टीम में शामिल हैं। लेकिन बड़ा है यहां पर डिफरेंस मोहम्मद शमी का, थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा शमी की रिटर्न में, जो कि हमें इस टेस्ट सीरीज में अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत जल्द मोहम्मद शमी वापसी करते नजर आएंगे। और यहीं पर जो वापसी की बातचीत हो रही है उसमें जडेजा को भी काफी लंबे अरसे के बाद, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद से वो अब हमें देखने को मिलेंगे। श्रीलंकाई दौरे पर जडेजा को रेस्ट किया गया था। अब यहां पर एक बड़ी बात और ध्यान देने वाली है और वो है सरफराज खान भाई, जो कि हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम में एज अ टेस्ट प्लेयर वो इंट्रोड्यूस हुए हैं और अपनी जगह बनाने में वो सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर ऑन दी अदर हैंड उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। और जब हम बात करते हैं वापसी की तो भाई यश दयाल का नाम कैसे आप पीछे छोड़ सकते हो, वो खिलाड़ी जिसकी एक ही ओवर में 5 छक्के जड़ के रिंकू सिंह ने अपना नाम बनाया था, तो वहीं एक तरफ यश दयाल का वो कारनामा जो कि उन्होंने पिछले साल वापसी करते हुए दिखाया और अब टीम इंडिया में जगह बना ली है। यश दयाल अपनी गेंदबाजी से एक बार फिर सभी को प्रसन्न करने वाले हैं। इनके साथ साथ आकाशदीप पर भी भाई सेलेक्टर्स ने अपना भरोसा जताया है और उन्हें जगह दी है। पहले टेस्ट मैच में आकाशदीप वही खिलाड़ी हैं जो कि दुलीप ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने इंडिया ए के लिए खेलते हुए पहली पारी में 60 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे और दूसरी पारी में 56 रन देकर 5 विकेट लिए थे। दोस्तों, इसी साल टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपनी टेस्ट करियर की शुरुआत करी थी और इस बार फिर वही बांग्लादेश के खिलाफ वो अपनी जगह बनाने में सक्सेसफुल हुए हैं। तो अब फाइनली ये जो टीम है भाई 19 सितंबर में कौन से ऐसे 11 खिलाड़ी हो सकते हैं जिन्हें मिलने वाली है जगह, भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टॉप गन्स तो रहने ही वाले हैं, इनके साथ साथ कौन से ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्हें यहां पर मौका मिलना चाहिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी ओपिनियन अपनी राय जरूर दीजिएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलें।